हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जावता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। पेपर को एनालिसिस किया कल, आपको जानते हैं जैसे कि आपका यूपी एपीओ का एग्जाम था, थोड़ा बहुत लोगों से बातें की। कल इसलिए कट ऑफ नहीं लेके आए, बहुत लोगों से पर्सनली एनालिसिस किया, लगभग मेरा 100 लोगों से बातचीत हुई होगी। उस आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जा रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिएगा, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, ये कोई ऐसी मैं चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि यही रहेगी कट ऑफ। ये लोगों से बात कर कर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग लगभग लगभग सेफ कैटेगरी में हैं और ये लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, कभी कभार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग लगभग, तो हमारी जो आप जानते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही निकलती है, कभी कभार ऐसा होता है ऊपर नीचे आती है। तो उस पर बहुत ज्यादा आप ये मत बोलिएगा कि फिर बाद में कि सर ये कट ऑफ पूरी सही नहीं रही, लेकिन विश्वास मानिए 90% चांसेस रहेंगे जो कट ऑफ हम बताएंगे वो सही रहेगी। तो आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं यूपी एपीओ की कट ऑफ क्या होने वाली है 2022 की, जिसमें हम आपके जर्नल की बात करने वाले हैं, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की कट ऑफ की बात करेंगे, एसटी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये सारे के सारे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है आपके सामने। आप देख रहे होंगे, अगर आप जुडिशियरी को क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज कर सकते हैं शाहबाज 10, और जैसे ही शाहबाज 10 करते हैं आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अभी मेन बात यह है कि मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं आपको, 10% तो यूजुअली डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी भाई आपको क्या मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट आपको 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, जैसे ही आप शाहबाज 10 कोड यूज करोगे अनलॉक चल रहा है, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ अपने क्रेडिट कॉइन्स को भी कैश कर सकते हैं। 24 आप देखिएगा, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको कितने का मिल रहा है, आपको जो 76,000 की प्राइस है वो आपको 61,000 है। 18 मंथ का आपको 51,000 में, 12 मंथ का 42,000 और 6 आपको मंथ का 30,000 में, इसमें आपको ये आप सेव कर रहे हो प्लस अपने क्रेडिट कॉइन्स को कैश कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नीचे लिखा है, या आप नंबर लिख लीजिए 7869980666, मुझे फोन करिए, मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, जो भी बेस्ट डील होगी वो आपको अवेलेबल कराऊंगा। और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है इसलिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नया बैच आ रहा है सारथी, 25 अगस्त से आपका बैच आ रहा है, इस बैच को भी आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू देख पाओगे। जुडिशियरी मेजर्स लॉ बैच है, ये भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ रही है, एमपी की वैकेंसी आएगी, राजस्थान की वैकेंसी आएगी, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, तो सारी सारी आप तैयारी कर सकते हो। और जो लोगों ने अभी तैयारी की थी अनअकैडमी के थ्रू, तो जिनसे मेरी बात हुई है यूपी एपीओ में बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है, और आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा 44 वैकेंसीज थी, लगभग 30 के आसपास बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अनअकैडमी से लेकर लिख लेंगे। और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, आप देख सकते हो मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी प्लस वालों के लिए है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, केस लॉस पे चल रही है, इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में सारे के सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं। और मैं फ्री क्लास स्पेशल क्लासेस के बारे में बता दूं, मेरी भी रोज स्पेशल क्लासेस होती है, अभी फ्रीडम सीरीज चल रही है, फ्रीडम सीरीज में मैं फ्री क्लास ले रहा हूँ रोज, आपको शाम को 7 बजे और रात को 9:30 बजे मेरी फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरी फ्री क्लासेस ले पाएंगे। सेम वहां पे भी कोड शाहबाज 10 यूज करना है, और अगर आपको क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आपको शाहबाज 10 कोड यूज करना है। ये आपका देख पा रहे होगे आप यहाँ पे, ये कोड, ये शाहबाज 10 कोड यूज करिए, आप क्या लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और अभी आप ये, वैसे तो 10% डिस्काउंट रहते हैं लेकिन अभी 20% है, तो इस समय आप बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी मान लीजिए कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और आप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप क्या लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, मुझे कॉल जरूर करिएगा, जिसमें आप मुझसे भी जुड़ पाएंगे, जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स होंगे वो आपको अवेलेबल कराऊंगा, विश्वास मानिएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज का आपका टॉपिक होने वाला है कि यूपी एपीओ की कट ऑफ क्या होने वाली है। हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया, उस आधार पर हम आपको आज बताएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है, किस कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम बताते हैं 44 वैकेंसीज थी, पेपर क्या रहा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पेपर की तरफ, तो लॉ का पेपर जैसा हर बार रहता है इस बार भी था, मतलब इजी, इसलिए कह रहा हूं मॉडरेट बोल सकता हूं, इजी इसलिए कि लॉ के बच्चों के लिए देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इजी है। आप मेरे से भी जुड़े होंगे मेरी टेस्ट सीरीज, आप देख सकते हो लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कराए ही थे, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और अगर हम जीके की तरफ जाते हैं तो जीके थोड़ी सी आपको क्या होती, ट्रिकी थी, जीके थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो अब आता है, एक प्रकार से बोल देते हैं, एक इजी हो गया, एक ट्रिकी हो गया, तो पेपर का हो जाता है मॉडरेट। अब मॉडरेट पेपर हो गया दोनों मिला के, तो कट ऑफ क्या जाने की पॉसिबिलिटी है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी कट ऑफ की तरफ आएंगे। तो जो मेरा एनालिसिस है, हमारी टीम का एनालिसिस है लोगों से बात करके, वो कट ऑफ हो सकती है जर्नल, इट इज बिटवीन 107 to 112 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। हाँ, इसमें प्लस माइनस 3 नंबर आप जोड़ सकते हैं, 3 कम जा सकती है, 3 ज्यादा जा सकती है, सब में प्लस माइनस आप 3 जोड़ लीजिएगा। दूसरा, ओबीसी की कट ऑफ जो रहने की संभावना है
वो इस एग्जाम में होगी 104 से 109, 104 से लेके 109 जिनके नंबर है ये सेफ कैटेगरी में आते हैं, ये मेंस की तैयारी चालू कर दी है। प्लस माइनस आपका 3 भी हो सकता है, प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति एससी कैटेगरी में आते हैं, ये जो कट ऑफ जा सकती है एससी की, इट इज बिटवीन 91 टू 96, सेम चीज प्लस माइनस 3 यहां पे भी जाएगा। और एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ होगी वो आपकी होने की संभावना है 82-85, और यहां पे भी 82-86 भी लिख गया है, तो चलिए ठीक है, प्लस माइनस आप 3 कर लीजिएगा। और अगर हम जाते हैं ईडब्ल्यूएस की तरफ, दैट इज बिटवीन 92 टू 97 के बीच में, बच्चों से सुन रहा हूं लेकिन मेरे हिसाब से ये बच्चे इतना कह रहे हैं 92 टू 97, लेकिन अगर मेरा एनालिसिस है जो पर्सनली बात करूं तो इसको 95 से कहीं समथिंग 100 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये एनालिसिस करके आ रहा है लेकिन मुझे सच्चाई नहीं लग रही है पेपर के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन हमारी टीम का एनालिसिस आ रहा है 92 टू 97, लेकिन मेरे हिसाब से 95 से 100 के बीच में होगा, वही प्लस माइनस 3। तो ये आपके लिए एनालिसिस था। इसके साथ साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।